दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऊंट को बात करते हुए सुना है? क्या आपने किसी ऊंट को फरियाद करते हुए सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख ले, क्योंकि इसमें हम आपको एक ऐसे ऊंट के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखे बगैर नहीं रहोगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर दे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अकदस में मौजूद थे कि इतने में कहीं से एक ऊंट भागता हुआ आपके बारगाह में आ पहुंचा, यानी कि एक ऊंट अल्लाह के नबी की बारगाह में आया और आकर वो आपके सर मुबारक के पास में खड़ा हो गया और फिर वो ऊंट आपके कान मुबारक के करीब होकर आपसे कुछ कहने लगा, जैसे कि वो ऊंट अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में कोई बात कह रहा हो। ऊंट की बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊंट, पुरसुकून हो जा। अगर तू सच्चा है तो तेरा रब तुझको फायदा देगा, लेकिन अगर तू झूठा है तो तुझे इस झूठ की सजा मिलेगी। ए ऊंट, बेशक हमारी पनाह में जो भी कोई आ जाता है तो अल्लाह ताला उसे अपने अमनो अमान में ले लेता है और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी भी नामुराद नहीं होता है। हजरत तमीम फरमाते हैं कि ये देखकर हमने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये ऊंट आपसे क्या फरियाद कर रहा है, ये ऊंट आपसे क्या कह रहा है? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस ऊंट के मालिकों ने इसको जिबाह करके इसका गोश्त खा लेने का इरादा कर लिया है, इसीलिए ये ऊंट उनके पास से भागकर यहाँ तक आ गया है और अब ये ऊंट आपके नबी से मदद की फरियाद कर रहा है। दोस्तों, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अभी हम गुफ्तगु फरमा ही रहे थे कि इतने में हमने देखा कि उस ऊंट के मालिक भी हमारी तरफ चलते आ रहे थे। जब उस ऊंट ने अपने मालिकों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो ऊंट फिर से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया और वो ऊंट आपके पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। फिर उस ऊंट के वो मालिक हमारे करीब आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हमारा ऊंट 3 दिनों से हमारे पास से भागा हुआ है और आज हमारा ये ऊंट आपकी खिदमत में मिला है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊंट मेरे सामने आप लोगों की शिकायत कर रहा है। इसका कहना है कि ये तुम्हारे पास में कई सालों तक पला बड़ा है। जब गर्मी का मौसम आता था तो तुम लोग घास और चारे वाले इलाकों की तरफ इस पर सवार होकर चले जाते थे और जब सर्दी का मौसम आ जाता था तो तुम फिर इसी ऊंट पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ कूच कर जाती थी। लेकिन अब जब ये ऊंट इस खस्ता हालत की उम्र में पहुंच गया है तो अब तुम लोगों ने इस ऊंट को जिबा करके इसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बना लिया है। अब तुम इसको जिबा करना चाह रहे हो। तो ये सुनकर ऊंट के मालिकों ने अर्ज किया कि खुदा की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये बात बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से आपने बयान फरमाई है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, एक अच्छे खिदमत गुजार को उसके मालिकों की तरफ से क्या यही जजा होती है? इतना सुनते ही वो अर्ज गुजार हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब हम इस ऊंट को ना ही बेचेंगे और ना ही अब हम इसे जिबा करेंगे। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन मालिकों से उस ऊंट को 100 दिनार में खरीद लिया और फिर आपने फरमाया कि ऐ ऊंट, चला जा, आज से तू अल्लाह ताला की रजा की खातिर आजाद है। ये देखकर फिर उस ऊंट ने अपना मुंह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब किया और फिर कोई बात आपसे कहने लगा। ऊंट की बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। फिर दूसरी दफा उस ऊंट ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में फिर से दुआ की तो आपने फिर से फरमाया, आमीन। फिर उस ऊंट ने तीसरी दफा दुआ की तो आपने फिर फरमाया, आमीन। लेकिन जब चौथी दफा उस ऊंट ने दुआ की तो इस बार ऊंट की बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमजदा हो गए और आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपके दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गए। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
कि ये देखकर हमने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये ऊंट आपसे क्या कह रहा है? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ऊंट ने पहली दफा मुझसे कहा, ए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जजा अता फरमाए। तो मैंने ये सुनकर कहा आमीन। फिर इस ऊंट ने दूसरी दफा कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला कयामत के दिन आपकी उम्मत के दिल से खौफ को इस तरह से दूर फरमाए जिस तरह से आपने मेरे दिल से खौफ को दूर फरमाया है। तो ये सुनकर फिर मैंने आमीन कहा। फिर तीसरी दफा इस ऊंट ने मुझसे कहा कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह से महफूज रखे जिस तरह से आपने मेरे खून को महफूज रखा है। तो ये सुनकर भी मैंने कहा आमीन। मगर फिर चौथी दफा इस ऊंट ने मुझसे कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के दरमियान जंगो जदाल को पैदा ना होने दे। तो ये सुनकर मैं गमजदा हो गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यही दुआएं मैंने भी एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में की थी। उस वक्त अल्लाह ने मेरी पहली तीन दुआओं को तो कबूल फरमा लिया था, मगर आखिरी दुआ कबूल करने से मना फरमा दिया था। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से मेरे पास में खबर लेकर आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी ये उम्मत आपस में जंग करके फना होगी। अब जो कुछ होने वाला है कलम उसको लिख चुकी है। तो दोस्तों, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीसे मुबारका आज कल बिल्कुल सच साबित हो रही है। आज के दौर में आप नजर उठाकर देखें तो आपको हर जगह पर मुसलमान आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे। आज के इस दौर में आप देखेंगे कि किस तरह से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून के प्यासे बने हुए हैं और एक दूसरे का कत्ल करने में लगे हुए हैं। तरह तरह के फिरकों के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। जितना नुकसान आज तक एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कर रहे हैं, उतना नुकसान तो आज तक मुसलमानों का काफिरों ने भी नहीं किया होगा। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम सब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन को मजबूती से थाम ले और इन फिरका परस्ती को छोड़ दे और हम सब एक उम्मती बन जाए और आपस की नफरतों को खत्म कर दे और ये सोचने लग जाए कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हम सब मुसलमान आपस में भाई है और हम सब आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ में रहे। दोस्तों, फतेह मक्का के एक रोज अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में एक मकान की दीवार से टेक लगाए हुए बैठे थे और अपने किसी एक गुलाम के साथ में गुफ्तगू फरमा रहे थे। आप जिस मकान के पास में बैठे हुए थे वो मकान एक काफिरा औरत का था। वो औरत आपसे बहुत नफरत करती थी, इसीलिए उसने जब अल्लाह के नबी की आवाज मुबारक सुनी तो वो औरत बुग्ज, हसद और नफरत की वजह से उसने अपने मकान की सारी खिड़कियों को बंद कर लिया ताकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज मुबारक उसके कानों तक ना पड़े, उसको आपकी आवाज सुनाई ना दे। इतने में थोड़ी देर के बाद में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप जिस मकान की दीवार से टेक लगाकर खड़े हैं ये मकान एक काफिरा औरत का है और इस मकान में रहने वाली काफिरा औरत ने बुग्ज और हसद के वजह से अपने मकान की खिड़कियों को बंद कर लिया है ताकि आपकी आवाज उसको सुनाई ना दे। मगर ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे प्यारे हबीब की पुश्त मुबारक इस मकान की दीवार के साथ में मस्क कर गई है, इसीलिए अल्लाह नहीं चाहता कि अब इस मकान में रहने वाली ये औरत दोजक में चली जाए। ऐ अल्लाह के नबी, इस काफिरा औरत ने अपने मकान की खिड़कियों को बंद कर लिया है और हमने उसके दिलों के खिड़कियों को खोल दिया है। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम का बस इतना कहना था कि उस औरत की अपने घर के अंदर बैठे बैठे ही दिल की दुनिया बदलने लगी। वो बेकरार होकर घर से बाहर निकली और आकर अल्लाह के प्यारे नबी के कदमों में गिर गई और फिर वो मुसलमान हो गई। उसने फिर रो रो कर सच्चे दिल से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, मैं इस बात को मानती हूँ कि आप ही अल्लाह के सच्चे रसूल है और मैं सच्चे दिल से आप पर ईमान लाती हूँ। दोस्तों, कुर्बान जाए हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पर, जिधर जिधर वो गए करम करते ही गए, किसी ने मांगा या ना मांगा मगर आप सबकी झोलियां भरते गए, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।